तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पहाड़ी ब्रदर्स में। मेरा नाम है अक्षदेव सिंह और रेसलिंग का आज दूसरा दिन था और दूसरे दिन ही रेसलिंग से बहुत अच्छी खबर आई है। जी हाँ, भारत की बेटी विनेश फोगाट ओलंपिक फाइनल में पहुंच चुकी हैं और उन्होंने अपना एटलीस्ट सिल्वर जो है वो कन्फर्म कर लिया है। हालांकि फाइनल जीतती हैं तो गोल्ड मेडल अपने नाम कर लेंगी। सबसे पहली बाउट में उन्होंने जापानीज युई सुसाकी को हराया। युई सुसाकी जो हैं वो 2010 के बाद किसी भी फॉरेन रेसलर से नहीं आ रही हैं। वो केवल 3 बाउट्स हारी हैं 2010 से अब तक और वो तीनों एक जापानीज़ रेसलर युकी अरी से हारी थी। तो विनेश जो है वो पहली फॉरेन रेसलर बनी हैं जिन्होंने युई सुसाकी को किसी मैच में हराया है। मैं आपको बता दूं, युई सुसाकी जो है वो 4-time वर्ल्ड चैम्पियन है और विनेश ने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ खेला युई सुसाकी के साथ अपना मैच, जहां उन्होंने स्टार्टिंग में थोड़ा डिफेंस किया पूरे 5 मिनट और 30 सेकंड तक, वहीं लास्ट के 30 सेकंड्स में उन्होंने थोड़ा अटैक किया और मैच को किया अपने नाम एक एडवांटेज के साथ। मतलब किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि विनेश फोगाट फाइनल्स में जाएंगी, वो भी युई सुसाकी को पहले ही राउंड में हरा कर। मतलब सभी ने एक्सपेक्ट किया था कि अब तो विनेश रेपेचाज खेलेंगी, लेकिन विनेश हैड सम एक्स्ट्रा थॉट्स। वो चाहती थी फाइनल जाना और पहुंच गई। युई सुसाकी से जीतने के बाद विनेश पूरी रो पड़ी और मतलब लेट गई मैट के ऊपर खुशी के मारे। उसके खुशी के आंसू ही नहीं रुक रहे थे, इतना मतलब उसके लिए बड़ी जीत थी ये। अब ये तो हुआ बहुत ही कड़ा मैच राउंड ऑफ 16, लेकिन इसके बाद उनका मैच हुआ यूक्रेन की लिवच ओक्साना से, जो टोक्यो में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। रेपेचाज में ये जीती थी अपना मैच, तो इनसे इनका मैच हुआ जहां विनेश ने बहुत अच्छा खेला स्टार्टिंग में, लेकिन अंत में थोड़ा उन्होंने पॉइंट्स लूज़ किए डिफेंस में, लेकिन हाँ जीत ज़रूरी थी और वो आ गई। और इस मैच के बाद विनेश गई सेमीफाइनल्स में। अब सेमीफाइनल्स में विनेश की टक्कर होनी थी गुस्मान लोपेस से, जो कि क्यूबा की रेसलर हैं, और इनको विनेश ने ऑलरेडी पिछले महीने हुए ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट में हरा रखा था 3-1 से। तो ये मैच तो विनेश ने मतलब एकदम वन साइडेड जीता। हाँ, पहले सेट में इतने पॉइंट्स नहीं आए, लेकिन दूसरे राउंड में तो विनेश ने इजीली डोमिनेट किया और लोपेस गुस्मान को 5-0 से हरा कर एक हिस्टोरिक फाइनल मैच में जगह बनाई। तो इसके बाद अब विनेश का मैच होगा यूएसए की सारा एन से। तो ये मैच कल रात में खेला जाएगा, देर रात खेला जाएगा ये मैच, विनेश का फाइनल मैच। और अगर ये मैच वो जीत जाती हैं तो गोल्ड होगा विनेश का, और विनेश पहली फीमेल रेसलर बन चुकी हैं जिन्होंने ओलंपिक फाइनल में कदम रखा है। पहली भारतीय फीमेल रेसलर बनी हैं जिन्होंने ओलंपिक फाइनल के लिए वो कर लिया है, पहुंच चुकी हैं वो फाइनल्स में और एटलीस्ट एक सिल्वर तो अपने लिए कन्फर्म कर लिया है। बट मुझे लगता है कि ये गोल्ड जीत सकती हैं। तो पूरे भारत की दुआएँ रहेंगी विनेश फोगाट के साथ। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।